राष्ट्रीय स्तर पर शरद यादव जी इस जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं कि हमें विपक्ष को एकजुट करना है, और एलजेडी जो हमने दल बनाया है वो हम शरद जी को समर्थन करने के लिए हमने एक प्लेटफार्म बनाया है, और आज ये डिसीजन लिया गया कि तीन जो स्टेट हैं हिंदी भाषी क्षेत्र जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों में हमें अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाना चाहिए, और चुनाव लड़ाएंगे और शक्ति के साथ में चुनाव लड़ाएंगे, और उससे हम कैंडिडेट तीनों में आप लोग गठबंधन में जाएंगे या अकेले अकेले चुनाव देख लिए। गठबंधन की ज़रूरत कांग्रेस को पहले पड़ेगी, और कांग्रेस को इसमें आगे आना चाहिए कि तीनों प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और उससे पहले वहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही है, और कांग्रेस अपने आप को ये सोच के चलती है कि हम सबसे बड़े दल हैं, और हमको अपने दल की शक्ति बताना है, और अपनी दल की शक्ति बताने के लिए हमारा चुनाव में जाना बहुत ज़रूरी होगा, और चुनाव में हम पूरी शक्ति के साथ जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम अपने कैंडिडेटों को जिता के लाएं। एजेंडा क्या होगा आप लोग का? हमारा सबसे पहला एजेंडा है कि भाजपा को हटाओ और संविधान को बचाओ, और उसके लिए हम ये कार्यक्रम को प्रॉपर तरीके से स्टेप बाई स्टेप हम करेंगे। 11 बार लंबा अनुभव है शरद यादव को संसद का, कई प्रधानमंत्री आते जाते उन्होंने देखा है, मोदी जी के बारे में क्या राय बनती है? मोदी जी कोई राजनीतिक तो है नहीं, वो तो तिकड़मबाज आदमी है। क्या बात, आपने किस तरह के तिकड़मों से किस तरह से झूठ बोला? अरे दुनिया में यार आपने किसी ऐसे लीडर को देखा इतना झूठ बोलता हो, इतनी मर्यादाओं को तोड़ता हो, इतना संविधान का उल्लंघन करता हो? जो व्यक्ति देश का दायित्व संभाल रहा है, बगल में चुनाव होने वाले हैं, सारे नियम विधान कानून कहते हैं कि अगल बगल कोई सभा नहीं होनी चाहिए, सब पर रोक लगती है, वो उसको वो इलेक्शन कमीशन उस पर नोटिस लेता है, देश का प्रधानमंत्री बागपत में बोल रहा हो, बगल में चुनाव हो रहा हो, आप कह रहे हो कि जो ईवीएम मशीनों को लू लग गया है, ऐसे ही लू लगता है जब कोई आदमी नाकारा हो जाता है, संविधान छोड़ देता है, तोड़ देता है, 9 किलोमीटर तो दौड़। क्या एलजेडी के नेता, जो लोकतांत्रिक जनता दल है उसके नेता, क्या खुल के इस तरह से बात करेंगे? क्योंकि अभी तो कोई बोल नहीं रहा है भाई, बोलता है उसके नीचे पीछे सीबीआई ईडी लगा दिया जा रहा है। आप ये जो बात कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई नहीं बोल रहा है, शरद जी तो शुरू से बोल रहे हैं। साझा विरासत में उन्होंने क्या नहीं कहा है, सारे लोगों को इकट्ठा करके देश की जो सारी मर्यादाएँ टूट रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। और आपको ये भी तो पता होगा कि अभी 2 अप्रैल को अकेले शरद यादव ने देश भर में जो दलितों के साथ हुआ, जो उनका नौजवान जो आया सड़क पर, उस पर अकेले एक व्यक्ति ने बोला है, और क्या नहीं बोला उसने, सब कुछ तो कह दिया उन्होंने, कुछ बाकी है उसको सुन लीजिए, एक बार सुना दीजिएगा। कि आप जाके बाबरी मस्जिद गिराओ और दंगा करो, आप कहते हैं कि मेरा बेटा स्वस्थ रहे, मेरी बात सुनो पहले, सुन लीजिए। और यही हिंदू लोग हैं, 15 में हिंदू धर्म के ही लोग थे ना बिहार में, कहाँ गया था इनका हिंदू धर्म? आप समझ लीजिए, पूजा पाठ जरूर करता है, लेकिन इतनी चेतना जरूर है उनको, कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन उनको लाठी मार रहा है, कौन उनका दमन कर रहा है। तो यही महागठबंधन जब बनी थी तो 15 में कहाँ चले गए थे हिंदू धर्म? ये जरूर है सर, राजनीतिक चेतना है, एकदम है। आप एक चीज क्यों नहीं मानते हो कि हमको जगह